तीर्थ नगरी पुष्कर में हुई ठग गिरोह की एंट्री, पूजा अर्चना कराने और मोटी दक्षिणा का लालच देकर पुरोहित को बनाया ठगी का शिकार। शातिर ठग 3 तोला सोने की चैन और 6 तोला वजनी सोने का मंगलसूत्र लेकर हुआ फरार। तीर्थ नगरी पुष्कर में नवरात्र के चलते श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इन श्रद्धालुओं के बीच एक शातिर ठग एक तीर्थ पुरोहित के घर घुस गया और धार्मिक अनुष्ठान करवाने के नाम पर 21,000 रुपए की दक्षिणा देने की बात करते हुए लाखों रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। पुष्कर के बारी मोहल्ला निवासी गौरी शंकर पाराशर ने बताया कि वह घर के बाहर सुबह अखबार पढ़ रहे थे। सुबह करीब 8:25 पर एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया। इस दौरान शातिर ठग ने धार्मिक अनुष्ठान करवाने का निवेदन किया और 21,000 रुपए बतौर दक्षिणा देने की बात कही। ठग ने तीर्थ पुरोहित गौरी शंकर को अपने घर में भगवान के सामने दक्षिणा देने की बात कहकर घर में घुस गया। गौरी शंकर ने बताया कि ठग ने उन्हें सोने की किसी चीज से स्पर्श कराकर दक्षिणा देने की बात कही। इस पर पीड़ित गौरी शंकर ने अपनी 3 तोला वजनी सोने की चैन उसके सामने रख दी। उसके बाद ठग ने गौरी शंकर से भारी आभूषण रखने की बात कही तो गौरी शंकर ने अपनी पत्नी का 6 तोले का सोने का मंगलसूत्र उसके सामने रख दिया। शातिर ठग ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सोने के आभूषण को कागज और नोटों के साथ अलमारी में रखने की बात कही और शाम को सूर्यास्त के बाद खोलने की बात कहकर मौके से फरार हो गया। जब पीड़ित गौरी शंकर ने कागज और नोट खोलकर देखे तो उनकी आंखें फटी रह गई। कागज और नोटों में कोई आभूषण और नकदी नहीं थी। सूचना मिलते ही पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगाले। ठगी की वारदात की सूचना मिलते ही पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव मैं जाप्ता घटना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही क्षेत्र में लगे CCTV फुटेजों को भी खंगाला गया। पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुष्कर क्षेत्र में नाकाबंदी करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुबह सुबह की 8:25 के आसपास गौरी शंकर जी हैं, जो बारी मोहल्ला भ्रमचौक के निवासी हैं और पुरोहित का काम करते हैं। यहाँ पर यजमान बनकर उन्होंने पूछा कि गौरी शंकर जी कोई हैं क्या, तो उन्होंने कहा हाँ जी हमें हैं। तो बोलता है मेरे को पूजा करानी है, तो ये 21,000 रुपये की मेरे को पूजा करानी है। तो उसके लालच में गौरी शंकर जी आ गए और इन्होंने उसने कहा मेरे को सोने की कोई टच करनी है, तो छोटा सा उनके गले में था। तो बोलते नहीं मेरे को कोई भारी चीज़ पे, तो उस 21,000 के चक्कर में पूजा के लिए वो घर के अंदर भी ले गए। तो उनकी वाइफ ने पूछा भी टोका भी अनजान व्यक्ति कौन आया है, लेकिन वो पूजा कराने के चक्कर में और 21,000 रुपये के चक्कर में वो उनको भी ज़्यादा नहीं बता पाए। और अपनी वाइफ का मंगलसूत्र है वो कहा कि ये भारी चीज़ आप टच कर लो, और उसने हाथ की सफाई दिखाते हुए वो 21,000 रुपये और बोले कि मैं अलमारी में रख रहा हूँ, आप इसे शाम तक देखना मत, और ये कह के वो नीचे आ गया। इतने में उनकी वाइफ ने जस्ट अगर पूजा करके 1 मिनट बाद ही आई, उन्होंने वापस अलमारी खोल के देखी तो उसमें कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने भाग के नीचे आई। इतने में तो वो अनजान व्यक्ति जो था वो यहाँ से रवाना हो गया। हाँ, CCTV वो उसका सर्कुलेट कर दिया गया है और जिसे चेक किया जा रहा है आस पड़ोस के। CCTV फुटेज जो है संदिग्ध व्यक्ति का वो सर्कुलेट कर दिया गया है। जो जितने भी अपने नाका पॉइंट वगैरह हैं वहाँ पर नाकाबंदी हैं, उन सबको मैसेज कर दिया गया है। उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है। कितनी मात्रा में सोना ले जाने की बात सामने आई है? एक मंगलसूत्र है और एक सोने की चैन और है, जो उसने 5,000 रुपये में वो लपेट के दूसरी अलमारी में रखी थी। उन्होंने उसे भी देखा, वो छोटी पतली सोने की चैन और 5,000 रुपये वो भी इन्हें नहीं मिले। इनको कोई 1,000 रुपये और 500 रुपये 3 लेडीज़ को उसने दिए थे, जो पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी रिकवर किए हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के संदिग्ध फिंगरप्रिंट्स कोई उस पर मिलते हैं तो पुलिस अभी जांच कर रही है, जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं सुबह करीब 8:30 यहाँ अखबार पढ़ रहा था, एक अज्ञात व्यक्ति आया, उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था और एक लंबा लोअर टी शर्ट पहन रखी थी, उस पर नासा लिखा हुआ था और नीचे बढ़िया चप्पल पहन रखी थी, अच्छी क्वालिटी की उसने, गोल मुँह वाली, और यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करी। उसकी मोटरसाइकिल के पीछे ना मिट्टी से चिपका हुआ था, नंबर प्लेट नहीं दिख रही थी। वो व्यक्ति मेरे को बोला कि किसी सिद्धार्थ नाम के बच्चे से वो मेरे को पूजा करवानी है, उससे करवाई मैंने पहले और 21,000 रुपये उसको देने हैं। उसने पैसे जेब से निकाल के मेरे को बताए और बोले यार अगर वो नहीं मिलता है मेरे को, मैं DC ऑफिस में नौकरी करता हूँ और वन विभाग चौकी में मेरी आज नई ज्वाइनिंग है, और मेरे को ये पैसे मेरी नौकरी लगने के उसमें मेरे को भगवान के भोग के लिए पैसे अलग से निकाले हुए पड़े काफ़ी दिनों से, वो मेरे को देने हैं।
ऐसा करके उसने मेरे को पैसे दिए, तो मैंने कहा मैसेज को, उसने कहा सोने की चीज़ छुआ दो इसको, बस फिर रख दो भगवान के दरवाजे में, भगवान के चरणों में। मैंने सोने की चीज़ छुआई, बोले नहीं यार इसको कोई वजन वाली चीज़ होनी चाहिए, वो वजन वाली चीज़ उसको छुआ के भगवान के रखनी है और शाम को उसको काम में लेने पैसे को। ऐसा करके उसने एक मंगलसूत्र 6 तोड़े का करीब और एक 3 तोड़े की चेन, वो दोनों उसमें पैसे में लपेटे और अपने हाथ से उसने अलमारी में रखे और वो दोनों चीज़ गायब हो गई, मिले नहीं।